पाइथन में नाम प्रिंट करवाना है बिना लूप की मदद के, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू क्या करें, नेम प्रिंट करवा, तुम्हारा ही करा दे रहे हैं, ठीक है। अंबू जसवर पूरा लिख दें, अंबू जसवर भी ए आर होता है ना, ये हो गया, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं, अंबुजेश्वर को प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बिना डबल डॉटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा के लिखना है, नहीं तो वही चीज़ प्रिंट हो जाएगा। तो एक्स को प्रिंट करवाना है, तो ये एक्स लिख दिए, इसको बंद किया और फिर अब इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। तो रन हो गया, तो यहाँ अंबुजेश्वर प्रिंट हो गया, लेकिन ये एक बार प्रिंट हुआ है। अब बिना लूप की मदद के हमको 15 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर जाते हैं, निशान लगाते हैं और यहाँ 15 कर देते हैं, तो 15 बार प्रिंट हो जाएगा, नहीं प्रिंट होगा। अच्छा देखते हैं क्या होता है, 15 बार प्रिंट नहीं हो गया, तभी हो रहा था भाई, कहाँ पढ़ते हो तुम, अच्छे से पढ़ा करो। अब समस्या ये है कि अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आए, तो इसके लिए जहाँ पर इसको दिया है नाम वहीं पर आप बैक स्लैश एन लगा दीजिए। आपको सी लैंग्वेज में बैक स्लैश एन याद होगा, आप तो पढ़े ही नहीं है सी लैंग्वेज, डायरेक्टली पाइथन पे आए हैं तो आपको पता नहीं होगा। तो बैक स्लैश एन लगाने से लाइन चेंज हो जाती है। अब यहाँ से रन करवाइए, तो अब देखिएगा कि ये अंबुजेश्वर 15 बार प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बार प्रिंट हुआ है ना, क्लियर है ना।